हेलो स्टूडेंट्स, कंसेप्ट ऑफ द डे एपिसोड 3 लेके आया हूँ मैं। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा प्रोजेक्टाइल की एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम जो कई बार जेई के एग्जाम में आई है एंड आई होप कि जेई और नीट के एग्जाम में ये फिर से आ सकती है। क्या है वो प्रॉब्लम? आपको गिवन है y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2x2। ये एक इक्वेशन आपको गिवन है। आपको बोला गया कि इस प्रोजेक्टाइल को बताए देख के बताइए कि रेंज क्या हो सकती है, या आपसे पूछ लिया मैक्सिमम हाइट क्या हो सकती है, या आपसे पूछ लिया टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो सकता है। कुछ भी पूछ सकते हैं इसमें से। देखिए, प्रोजेक्टाइल में चाहे आपको रेंज निकालनी है, चाहे आपको मैक्सिमम हाइट निकालनी है, चाहे आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, टू थिंग्स आर नेसेसरी। दो चीजों का आपको पता होना चाहिए। कौन कौन सी दो चीजों का बच्चों? एक आपको यू के बारे में पता होना चाहिए और एक आपको थीटा के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप किसी ना किसी तरह यू और थीटा निकालने में कामयाब हो जाते हो तब आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए, यू और थीटा कैसे निकालें? जब भी आपके पास ऐसी प्रॉब्लम आए कि y इक्वल्स टू दिस, तो बाकी चीजें सॉल्व करने को बोला जाए, आपने एक सिंपल सा काम करना है, प्रोजेक्टाइल की जनरल इक्वेशन उठा के ले आओ और उसे कंपेयर कर दो। प्रोजेक्टाइल की जनरल इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां आता है x स्क्वायर। ये होती है प्रोजेक्टाइल की जनरल इक्वेशन। क्या होती है? x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। आप कंपेयर कीजिए दोनों टर्म्स को। देखिए, यहां पे x की जगह x है लेकिन यहां पे tan थीटा, और यहां पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट और यहां पे x स्क्वायर, दोनों की तरफ कोफिशिएंट कंपेयर करने। अगर आप यहां पे x का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो देखिए बच्चों, आपको क्या मिलेगा? tan थीटा इक्वल्स टू मिलेगा आपको 1, तो थीटा मिल गया हमें 45 डिग्री। जैसा कि मैंने क्वेश्चन की शुरुआत में बोला था कि मेरे को यू और थीटा दो चीजों के बारे में बस पता होना चाहिए। अगर मेरे को दो चीजें पता है तो मैं क्वेश्चन कर सकता हूं। थीटा मैंने निकाल लिया है, कितना आ गया? 45 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1। अब अगर मैं एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट कंपेयर करूं तो देखो मेरे को क्या मिलेगा। अगर मैं एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट कंपेयर करता हूं तो आई विल गेट 2 इक्वल्स टू, कंपेयर करो कोफिशिएंट x स्क्वायर का, इधर क्या है g बाय 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर 45 डिग्री। थीटा की वैल्यू पुट कर दी मैंने बच्चों 45 डिग्री, ठीक है। तो सारी वैल्यूज पुट करके क्या मेरे को यहां से u मिल सकता है? तो निकाल लेते हैं। तो देखिए बच्चों, u स्क्वायर मेरे को मिलेगा g बाय 4 और cos स्क्वायर 45 मतलब 1 बाय 2, ठीक है। u स्क्वायर कितना मिल जाएगा? g बाय 4 और इनटू 2, ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व करें तो g को अगर हम 10 अज्यूम करें तो कितना आ जाएगा? 5। ये वैल्यू है u स्क्वायर की, 20 बाय 4 5। तो बच्चों यहां से u क्या आ जाएगा? √5। u क्या आ जाएगा? √5। तो खत्म क्वेश्चन, यही तो हमें चाहिए था। थीटा आ गया, u आ गया, अब आपके मन में जो आता है निकाल सकते हैं। अगर आपसे मैक्सिमम हाइट पूछी है बच्चों तो u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। अगर आपसे रेंज पूछी है बच्चों तो 2u sin थीटा cos थीटा बाय जी, और अगर आपसे टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है तो 2u sin थीटा बाय जी। तो बेसिकली u और थीटा वाज द गेम चेंजर जिनको हमने ढूंढ लिया इस क्वेश्चन के अंदर, कंपेयर करके किससे? जनरल इक्वेशन से, और हम लोग अपना आउटपुट निकालने में सफल हो गए, कामयाब हो गए। समझ आई बात मेरी? कर लोगे ऐसा कोई क्वेश्चन अगर जेई के एग्जाम में आपको मिलता है तो? ऑल क्लियर। y इज इक्वल टू दिस, इससे मैंने किया कंपेयर, थीटा 45 डिग्री मिला, फिर इनको कंपेयर किया तो 2, इसका कोफिशिएंट 2, इसका कोफिशिएंट ये, तो यहां से आप देखो u स्क्वायर की वैल्यू, इसको इधर ले जाइए, g बाय 4 cos 45 1 बाय √2, उसका स्क्वायर किया 1 बाय 2, 20 बाय 4 5, तो u कितना आ गया? √5। तो u और थीटा मिलने से चाहिए 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 जो भी आपसे पूछा जाए आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको होगा, क्वेश्चन वेटिंग फॉर योर आंसर्स इन कमेंट बॉक्स। आपको बस u और थीटा निकाल के बताना है इस क्वेश्चन में, क्योंकि बाकी चीजें तो हम निकाल पाएंगे। फाइंड u एंड थीटा, इस बार आपको मैंने दिया है y इक्वल्स टू √3x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। आपको इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए किसकी वैल्यू निकाल के बतानी है बच्चों? आपको u और थीटा फाइंड आउट करके बताना है, क्लियर? ओके, so that was episode number 3. Do subscribe, do share, do follow, do like, and हमें Instagram पे follow कीजिए, YouTube पे connected रहिए, बहुत सारी videos आएंगी, बहुत कुछ है पिटारे में, आप लेने वाले बनिए, और थोड़ा सा motivate कीजिए with the help of subscribing us. Okay, till then take care, goodbye, मिलते हैं अगली video में.